आप टेग्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका टेग्नोटेक जीपीएस में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक जीपीएस है हमारे पास, मार्केट में काफ़ी अच्छा चल रहा है आजकल, हो सकता है आपके पास भी हो। तो आप उसकी सेटिंग वगैरह किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले मैं उसको इमेज दिखा देता हूँ। ये आपकी इमेज है, देख लीजिए, ब्लू कलर का फ्रंट है, बैक भी ब्लू कलर का है आपका, इस तरीके से आपके पास आता है ये जीपीएस है। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपके पास ये जीपीएस है तो इसकी सेटिंग मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से होंगी। सबसे पहले आ जाते हैं, ये हमारा टेग्नोटेक जीपीएस चैनल है और आपका 99 जीपीएस लॉगिन आपका ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है। और आप इन नंबर पर दिए गए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपका जीपीएस चालू नहीं होता है, या कोई सा भी जीपीएस है, कैसा भी जीपीएस आपको अगर चालू करना चाहता है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट भी, अगर आप नहीं करना चाहते उसको। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जियो सिम कार्ड इस पर वर्क नहीं करता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 4G पर वर्क करता है, और ऑलमोस्ट सारे ही जीपीएस आज के टाइम में 2G पे वर्क करते हैं, इसलिए इसमें जियो वर्क नहीं करता है। इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे, इसमें आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन की कोई सिम डाल लीजिए, और इसके अंदर आपका 100 MB सफिशियंट है मंथ के लिए, इसलिए आप इसमें ज़्यादा बड़े रिचार्ज उन चक्करों में ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। छोटा सा एक रिचार्ज करा लीजिए, वो आपका पूरा मंथ वर्क करेगा, और एक मैसेज का रिचार्ज करा लीजिए ताकि इसके अंदर आपको जब जीपीएस के ऊपर आप कमांड भेजें तो वो आपको रिप्लाई करे। अगर मैसेज नहीं होंगे उसके अंदर या बैलेंस नहीं होगा तो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली उसमें सेटिंग हो क्या रही है, जो आप कर रहे हो भी रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले हम आ जाते हैं आपका, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक अपना जीपीएस ले लेना है, उसमें सिम डालकर कनेक्ट कर लेना है, चाहे डायरेक्ट बैटरी से करो या प्रॉपर कनेक्शन करा लो। वैसे डायरेक्ट बैटरी पर करके कनेक्शन करके जब ऑनलाइन आ जाए उसके बाद आप जीपीएस को जो है आप परमानेंट फिक्स करा लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीपीएस अपना डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास वीडियो है डायरेक्ट कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए आप हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका कमांड आ जाती है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम लिखनी है आपको, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, server:1:99gpslogin.com:10216:0#। ये आप कमांड भेजेंगे तो आपके पास जो है, ये देख लीजिए, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपको ओके का रिप्लाई आ जाएगा, मतलब ये आपका सेट हो चुका है, मतलब ये कमांड आपका ये रिसीव करके सेट ओके हो चुका है ये। सेकंड थिंग आती है कि आपके जीपीएस के अंदर जो सिम है, सिम का एक्चुअली एपीएन होता है। एपीएन क्या होता है, आपका जीपीएस जो है एक पाथ होता है एपीएन, तो वो एपीएन सेट करना पड़ता है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, एपीएन सेट करना पड़ता है हमें, वैसे तो ऑटोमेटिकली मोस्टली जीपीएस ले लेते हैं, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए आपका जीपीएस पहले से ही एयरटेल सिम डली हुई थी और अब आप उसने आइडिया चेंज करिए तो आपको एपीएन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब पहली बार उसमें एयरटेल डली थी तो उसने अपना एपीएन जो है ऑटोमेटिकली ले लिया था। एयरटेल का जो एपीएन होता है वो है airtel.gprs.com। अब आपने आइडिया डाली है तो उसका आपको कमांड भेजनी पड़ेगी, apn.internet, ये देख लीजिए मैंने भेजा है apn.internet, कर्सर पे ध्यान, #ok, द टर्मिनल विल रिस्टार्ट आफ्टर 30 सेकंड, इस तरीके से आपको रिप्लाई आएगा। और ये सारे एक चीज़ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लोगों को लगती है कि हम मैसेज किसको भेजें, कहाँ से भेजें। आप अपने फ़ोन से मैसेज टाइप कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जीपीएस के अंदर जो सिम डाली है उसका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर या 13 डिजिट का मोबाइल नंबर है उसके ऊपर भेजिए आप इसको। सेकंड थिंग है, आपका जो सिम है उसका आप एपीएन सेट करेंगे, आइडिया है तो इंटरनेट, एयरटेल है तो airtel.gprs.com, अगर वोडाफोन है तो www., ठीक है। अगर आपका मान लीजिए कोई और सिम है, आउट ऑफ इंडिया है आप, कोई और सिम है आपको, तो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए कि आपका एपीएन क्या है, उसके बाद आप apn.apn#, ये कमांड भेज दीजिए और आपका इस तरीके से रिप्लाई आएगा। उसके बाद इसको चेक करने के तरीके हैं, जो आपने अभी तक सेटिंग की है वो ठीक है या नहीं है, तो param:gprs set #, तीन कमांडें हैं, एक एक करके आप भेजिए और मैं तीनों को बताता हूँ कि कैसे कैसे रिप्लाई आता है। param का रिप्लाई इस तरीके से आएगा, उसमें आपका ये देख लीजिए IMEI नंबर होगा, टाइमर इस तरीके से आएगा रिप्लाई, GPRS@ का आएगा, GPRS ऑन है, APN आपका इंटरनेट चेंज हो चुका है, सर्वर आपका चेंज हो चुका है, और ये पोर्ट है 10216 ये भी चेंज हो चुका है,
उसके बाद थर्ड आता है स्टेटस हैश। स्टेटस हैश पे आपको पता चलेगा कि आपका जीपीएस चार्जिंग पे है इस टाइम, जीपीआरएस लिंक अप है या डाउन है, जीएसएम जो आपके सिम के नेटवर्क हैं उनका लेवल क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है, लो है, कैसा है, और जीपीएस फिक्स है या अनफिक्स है। अभी जीपीएस अनफिक्स आ रहा है, और ये आप जो भी करें सेटिंग करने के बाद आप इसको ओपन में कीजिए। जीपीएस ओपन में ही आपका लोकेशन देगा, अगर आपने घर में रखा हुआ है तो ये लोकेशन नहीं देगा आपको। सेकंड थिंग आ जाती है कि आपका टाइमर, एक कमांड भेजिए टाइमर :10:10 हैश, और ये मैं बताता हूँ ये है क्या चीज़। टाइमर :10 मतलब ये जो पहले के 10 है, मतलब 10 सेकंड है इसका मतलब, और 10 सेकंड का मतलब है जब आपकी गाड़ी बंद है तब भी आपको 10 सेकंड पे लोकेशन देगा, और जब ये सेकंड 10 है, अब जब आपकी गाड़ी चालू है तो भी ये 10 सेकंड पे लोकेशन देगा। तो आप इसको इस तरीके से रखिए, और आपका ये परम हैश में देख लीजिए, ये टाइमर जो है आपका यही दिखाता है 10:10, वैसे डिफ़ॉल्ट है, बाकी कभी कभी 20-30 पर भी होता है, तो इसको आप देख के चेक करके चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप मान लीजिए लोकेशन लेना चाहते हैं जीपीएस से, लोकेशन चेक, इसके लिए कमांड है आपकी DW#, और URL#, DW# देख लीजिए मैंने ये भेजी है, URL# ये भेजी है, GPS not fixed now, ठीक है, और URL# पे आया करंट लोकेशन कुछ नहीं आया, मतलब कि GPS हमारा फिक्स नहीं है जैसा कि स्टेटस हैश से पता चला था। तो ये जो GPS फिक्स होगा आपका ओपन स्काई के नीचे ही होगा, घर के अंदर GPS फिक्स नहीं होगा, और आपकी ये DW और URL के कोई रिप्लाई नहीं आएगा आपको। आप इसका GPS ऑलवेज ऑन रखना चाहते हैं तो एक कमांड है sends:0#, आप उसको भेज सकते हैं, जैसे मैंने भेजा है ओके आ जाएगा, ओके। उसके बाद आपका है, आपका जैसे SOS सेट करते हैं, ये देख लीजिए SOS होता है कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत लगता है, और मोस्टली आपने काफ़ी देखा भी होगा, वैसे पर्सनल गाड़ियों में SOS का कोई काम नहीं है। SOS का मतलब है सीधा सा, SOS देखते ही समझ जाता है कोई भी कि इसमें GPS लगा हुआ है, तो पर्सनल में मत लगाइए, कमर्शियल में होता है। तो SOS के नंबर सेट करने पड़ते हैं, इसमें आप 3 नंबर सेट कर सकते हैं, SOS:A, अपना नंबर, ये यहाँ पे आप अपना नंबर डालेंगे, मैंने ये डेमो के लिए डाला हुआ है नंबर SOS:A, इनका ध्यान रखिए, ये यही डिफरेंस है तीनों में, :00, मतलब थर्ड नंबर, इस तरीके से 3 नंबर सेट कर सकते हैं आप। ये देख लीजिए SOS:A, मैंने अपना नंबर डाला, ये आ गया आपका रिप्लाई, अपना दूसरा नंबर डाला, ये रिप्लाई आ गया, थर्ड नंबर डाला, ये आ गया SOS:1, इस तरीके से। ये कॉमा का ध्यान रखिए, :00, :3, मतलब तीनों SOS नंबर सेट हो चुके हैं, और इस पे आपको जब SOS कोई दबाएगा तो आपके पास मैसेज आएगा, और गाड़ी की कोई बैटरी डिस्कनेक्ट करता है तो भी आपके पास मैसेज आएगा। और इसके बाद आप SOS को डिलीट भी कर सकते हैं, सेम वे है SOS:D, डिलीट मीन्स डिलीट, दिस नंबर डिलीट, सेम थिंग है :00, :3, कॉमा का ध्यान रखिए। उसके बाद इसके अंदर आता है एक सेंटर नंबर सेट करने के लिए, सिर्फ सेंटर नंबर ही आपके गाड़ी और को बंद और चालू कर सकता है। वैसे आप हमारी जो एप्लीकेशन है जो मैं अभी बताऊंगा उसमें जाकर आप इसको GPRS के थ्रू भी बंद कर सकते हैं, GPRS का मतलब है इंटरनेट के थ्रू, आपको नंबर सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। बाकियों में ये होता है चाइनीज़ एप्लीकेशन वो सब उसके अंदर SOS नंबर वगैरह सेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। :A, अपना मोबाइल नंबर, आप ये सेट कर सकते हैं, जैसे ये देख लीजिए मैंने ये सेट किया हुआ है, कर्सर पे ध्यान, अपना नंबर सेट किया हुआ। वैसे ये ज़रूरत नहीं है हमारे साथ, आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और चला रहे हैं किसी और के प्लेटफॉर्म पे तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जब सेंटर नंबर सेट हो जाएगा तो उसके बाद आप SMS भेजेंगे जो GPS के अंदर सिम है उसके ऊपर, अपने फ़ोन से जो आपने रजिस्टर्ड किया है, यहाँ पर जो ये जो नंबर आपने डाला है इस नंबर से भेजेंगे :relay:1#, ये वाली कमांड, तो आपका जो है ये वाली कमांड भेजेंगे तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगा, अगर आपके कनेक्शन प्रॉपर हैं तो। और कनेक्शन कैसे करने हैं, हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। रिज्यूम द सप्लाई फ्यूल मीन्स जब आप अपना रिज्यूम करना चाहते हैं, उसको मतलब जो आपने अभी इंजन बंद किया है उसको चालू कराना चाहते हैं, तो :00# ये कमांड भेज सकते हैं। और एक काफ़ी ठीक कमांड है, जैसे मान लीजिए कभी आपका GPS हैंग हो जाता है या आपको ऐसा लगता है कि यार उसको वायर हटानी पड़ेगी रीसेट करने के लिए, लेकिन इस GPS साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक कमांड भेजिए reset#, और ये अपने आप को रीसेट कर लेगा, इसमें कुछ भी आपका इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करेगा GPS के अंदर, सिर्फ वो आपको एक तरह से रीस्टार्ट कर लेगा, उसको हम रिबूट भी बोलते हैं, और उसको अराउंड ये देख लीजिए 1 मिनट लगेगा, ये देख लीजिए reset#, मैंने यहाँ पे भेजा है, द टर्मिनल विल रिस्टार्ट आफ्टर 1 मिनट, इस तरीके से होगा। और अगर मान लीजिए आपके साथ कोई भी सेटिंग के दौरान गड़बड़ी हो जाती है या कुछ भी होता है तो आप इस पे factory# भेज सकते हैं, आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, आप दोबारा से यही प्रोसीजर ऊपर से कर सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। ये factory# का आएगा, द टर्मिनल विल स्टार्ट आफ्टर 30 सेकेंड,
और ये सब आप परम हैश और GPRS सेट हैश भेज के आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब सेटिंग करने के बाद आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे इसको कैसे चला सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले 99gpslogin.com खोलेंगे, यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, क्रिएट अकाउंट में आपका जो भी ईमेल आईडी है वो डालेंगे, मैंने आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी देंगे, रजिस्टर करेंगे, आपके पास एक कोड आएगा ईमेल पर, जो भी आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डाली है उस कोड को आप लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और आपके पास जो पासवर्ड आया है उसको डाल लेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा ये। और लॉगिन होने के बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली मैंने पहले ऐड किया हुआ है तो आपका यहाँ पर ये कुछ भी नहीं आएगा। आपको करना क्या होगा, ये आपका ऐड ऑब्जेक्ट का साइन है, कर्सर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे IMEI उठा के डालेंगे कंप्लीट, यहाँ पे जो हमारा IMEI आया था ना परम हैश पे, वो IMEI 860465040 ये कंप्लीट आप उठा के यहाँ पे फिल करेंगे, ये IMEI पे फिल करेंगे, यहाँ पे नेम दे देंगे, जो भी आपकी गाड़ी का नंबर है या आप जो भी दिखाना चाहते हैं यहाँ पे शो कराना चाहते हैं, सेव कर देंगे। सेव करते ही आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आने के बाद आपका जैसे गाड़ी मूव करेंगे ये आपका ऑनलाइन आ जाएगी, और 2-4-5 मिनट वेट कर लीजिए, ऑनलाइन आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया है ऑनलाइन कैसे करनी है। इसके बाद इसमें बहुत सारे सेंसर वगैरह वो सेट कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पर जाइए, ये बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं हमारे, जैसे आपका इग्निशन ऑन ऑफ की सेटिंग कैसे कर सकते हैं और भी बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे GPS आप जो GPS ये वाला किसी गाड़ी में लगाएंगे तो कैसे लगा सकते हैं, ये काफ़ी सारे GPS के वीडियोस हैं, आप इनको देख सकते हैं और इनकी हेल्प से आप सब कुछ कर सकते हैं। और इतना सारा एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जो भी आपका रिलेवेंट है आप उसको देख सकते हैं, जिस जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है। और आप अपने फ़ोन पे हमारी 99GPS लॉगिन ऐप है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए उस पे, और आप इसको लॉगिन करके आप इसको देख सकते हैं। तो आपको ये सब पता चल चुका है, इस GPS को आपको किस तरीके से चलाना है, इस तरीके से आप इजीली चला सकते हैं, इसको किस स्पीड में मूव कर रही है सबको आपको दिखाएगी, और इस तरीके से आपको सारा डेटा यहाँ पे दिखाई देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मूविंग दिस एड्रेस दिस, और आप इसको मतलब आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।